अस्सलामु अलैकुम। आपने बहरा मुर्दार का नाम तो ज़रूर सुना होगा, यानी डेड सी। इसको अंग्रेज़ी ज़बान में डेड सी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नमक वाला समंदर या झील है। ये ज़मीन पर सतह समंदर से सबसे निचला मुकाम भी है, जो कि 420 मीटर यानी कि 1300 फीट से भी ज़ायद नीचे वाक़िया है। अलबत्ता बहरा मुर्दार के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात ये है कि जिन में से हर कोई इससे वाकिफ़ है। बहरा मुर्दार को मुर्दार इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नमक होने की वजह से यहाँ पर जानदारों का ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं है। तहम छोटे इंसान के जरसूम ज़रूर हैं, इसकी तह में वो पाए जाते हैं। बहरा मुर्दार को यूँ तो समंदर कहा जाता है, लेकिन तकनीकी अतबार से ये खारे पानी की एक झील है, जिसमें उर्दन के दरिया का पानी भी आकर गिरता है। बहरा मुर्दार में दीगर समंदरों के मुकाबले में नमक तकरीबन 10 गुना ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ तक कि बहरा मुर्दार में शामिल होने वाले रेह उर्दन का मीठा पानी भी इस पर कोई असर मुरतब नहीं करता। बहरा मुर्दार इतना नमकीन है इसी वजह से कि बारिश का पानी तेजाबी होता है और गुजरते हुए वो वक़्त के साथ साथ है इन चट्टानों को तोड़ देता है और इससे ये मज़ीद तेजाबी हो जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोराइड भी शामिल हो जाते हैं और इसे नमक कहा जाता है। अगर इसके मौसम की बात करें तो इसके इर्द गिर्द का इलाका बंजर और सहराई है। यहाँ तकरीबन 2-323 दिन तक इंतहाई तेज़ धूप रहती है। यहाँ की हवा में नमी की सतह इंतहाई कम है, जबकि बारिश भी बहुत कम होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आप यहाँ पर जितनी देर धूप में रहेंगे, सूरज की शुआएँ आपकी जल को मुतासर नहीं करेंगी। नमक की वजह से इस समंदर का पानी भारी है और ये इंसानों को डूबने नहीं देता और वो सिर्फ पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। बहरा मुर्दार की मुनफरद आबो हवा की खसूसियत ये भी है कि यहाँ पर आपको इजाफी ऑक्सीजन मिलता रहता है, जिसकी वजह से आप तरोताज़ा और पुरसकून रहते हैं। कदीम वक्तों से इस समंदर को सेहत के लिए बेहतरीन करार दिया जाता है। कहते हैं कि डेड सी वो जगह है जहाँ जल्दी बीमारियों से निजात मिलती है। डेड सी दुनिया की सबसे बेहतरीन प्लेसेस में से एक है। तो दोस्तों, ये थे डेड सी के बारे में चंद अमेजिंग फैक्ट्स जो कि आज के इस वीडियो में हमने आपको बताए। आपको भी जान के हैरत हुई होगी और सुन के भी हैरत हुई होगी कि आखिर इस समंदर में लोग डूबते क्यों नहीं। तो आपको हमने ये वजह बता दी कि आखिर इसमें लोग क्यों डूबते नहीं हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नहीं आने वाली हर वीडियो बर्वक़्त और बआसानी आप तक पहुँची रहा करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। एक नए दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।